सारे साढ़े नाल आ, कोई सब तो परे नहीं है, और असी भी उन्हों का हर तरीके हुण तुसीं देखिया भी जिन्हें भी नौजवान अंदर आ, चाहे वह टिकरी बॉडर दे आ, चाहे वह गाजियाबाद दे आ, चाहे वह सिंघू बॉडर दे आ, चाहे वह अपने जिहड़ी साडे अगे वह पंधेर दे बंदे आ, चाहे वह किसी भी जथेबंदी दे वह नौजवान अंदर होए आ, असी ये जिहड़ा सिंघू मोर्चा सारिआं दी रिहाई लई मतलब एक लत खड़ के उन्हां दी मदद कर रहा। 150 वकील इसे काम से लगा आ कि उन्हां बच्चों की उन्हां नौजवानों की रिहाई हो सके। और मेरा ख्याल सी घट्टो घट भी कल साढ़े रविंदर जी जिहड़े वो इस इंचार्ज आ तिहाड़ जेल में जाते आ, कल दस्या सी उन्हें भी 150 तो 200 तक जिहड़े नौजवान आ वो जमानत ते आ गए आ। मैं तो कहना भाजपा वालों ये तो अनुमान ला लेना चाहिए भी साडा 2022 दी चोणां च हशर की होगा। और कन्हा सिंह जी तुसीं देख लियो भी जिहड़ियां 2022 दी चोणां आ उहदे विच भी जिहड़ा इहनां दा म्यूनिसिपल कमेटियां दे विच हशर होया आ उही उहनां च होऊगा। और इहनां नूं वोट किसी ने की पाउणी आ, जिहड़े कल्ला हुण पंजाब नहीं, तुसीं हरियाणा देख लो, तुसीं राजस्थान देख लो, तुसीं MP देख लो, महाराष्ट्र देख लो, बंगाल देख लो, हर जगह इन्हों पिंड बन दिता जाएगा और ना ही गांह बन दिता जाऊगा। इस करके असी तो फिर मोदी को ही कहने भी जे तो को माड़ा मोटा अपना वजूद रखना, कोई अपनी याद रखनी आ, तो तू जे तिने काले कानून इन्हों वापस लै ला, ता कि तू भी अपने घर सौखा होवे, तो असी भी साडा किसान भी सारा आराम ना अपने घर जाके अपना काम कर सके। ये एक सरकार नूं चेतावनी है, अगर सरकार ने यह 5 घंटे के बंद में कोई जू ना सरकी फिर जिहड़ा ये रोड आ जां संसद का घराओ आ ये जथेबंदियां इन्हां जो पास करूगियां भी असी की करना भी सरकार नूं पता लग जूगा भी जथेबंदियां भी हुण थोड़ा गर्म हो गई। असी सरकार नूं यही कहने भी जथेबंदियां नूं गर्म होने तो पहला और सरकार ये जिहड़े काले कानून आ जिहड़े किसान विरोधी की सारे पब्लिक विरोधी आ इन्हां नूं वापस लवे ता कि किसान भी अपने घर सुखी जा। स्वागत है जी पंजाबी नैशनल TV देखते दर्शकों का। किसानी संघर्ष नूं पूरा हुंदिया अज इस सफर का 100 दिन पूरा होने जा रहा, तो 100 दिन के सफर से आप एक विशेष तुहाडे नाल जानकारी सांझी कर रहे हैं जिहदे विच वख वख इस स्टेज नाल जुड़े हुए इस प्रबंध नाल जुड़े हुए उन्हां शख्सियतां जां उन्हां इंसानां दे नाल तुहाडी अज मुलाकात करा रहे हैं। साढ़े नाल जुड़ चुके सरदार अमरीक सिंह जो भारतीय किसान यूनियन कादियां दे जिला जलंधर के प्रधान हैं, तो पिछले लगभग 100 दिन तो यह सारा जिनी संगत वालों माया आ रही है जिन्ना इस मोर्चे नूं कोई दान आ रहा है उहदा सारा हिसाब रख्या जांदा है, तो वो माया नूं मुड़ के लोड़ां मुताबक जरूरतां मुताबक जिथे जिथे भी तंबूआं दे विच लंगरां दे विच किसानां दे विच कोई जरूरत हुंदी आ हर लोड़ पूरी कीती जांदी, तो सारा हिसाब किताब कुछ दिन पहला इन्हां ने स्टेज तो भी जाके बिल्कुल इस पारदर्शी तौर पर क्लीयर कर दिता सी कि जिहड़ा एक एक पैसा आ रहा आ वो संगत का बिल्कुल सारा हिसाब किताब दे विच आ, किते भी कोई गुंजाइश नहीं है भी कोई पैसा इधर उधर हो जाए। करदे उन्हां नाल गलबात। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान जी तुसीं लगभग 100 दिन के नेड़े तेड़े आपां हो गया इत्थे, बई इस 100 दिन का सफर सरकार दे नाल आपां गलबात करदे आ भी देखिया गलबात टुट गई, 26 दी घटना वापर गई, हुण उस गल होई नूं भी 1.25 महीने के नेड़े तेड़े हो चुका, यह 100 दिन का सफर नूं सारे नूं तुसीं कितना देखदे? देखो जिहड़ा ये 100 दिन का सफर आ इहदे विच तकरीबन तां इह बहुत वधिया रहा, क्योंकि वधिया तां रहा भी इह जिहड़ा ज़्यादा शांतमई ढंग नाल साडा अंदोलन चल रहा। ठीक है 26 तरीक नूं जो 96 का टाइम तरीक दिन सीगा उस दिन कुछ जिहड़े विच कोई शरारती अंसर जां को RSS दे बंदे विच वड़ के उहनूं जिहड़ा इह
माहौल खराब करने की कोशिश की, पर साडे जथेबंदियां ने बड़ी सूझबूझ दे नाल इहनू दुबारा फिर अपनी लीह ते लिया के खड़ा कर। आपां देखदे आ कि चाहे लड़ाई सरकार दे नाल हजे चल रही आ, पर असी बहुत बड़ियां ये 100 दिन दे विच बड़ियां प्राप्तियां भी कीतियां, साडे नौजवानों दे विच जागृति आ गई, साडे नौजवानों दे विच चिंतन करन दा उहनां दा सोच बन गई, आपां बाकी सूबियां दे नाल साडे रिश्ते सुधर गए, ये सारी चीज़ नूं तुसीं किदां देखदे? देखो ये जिहड़ा अंदोलन पहला सब तो पंजाब च उठिया, गुरनाम सिंह जी तुहानूं वी पता है भी आपां 1 अक्तूबर तो पंजाब दे विच रेलां बंद कीतियां और 7 तकरीब दे लागे जाके 1 अक्तूबर दे आपां जिन्ने भी पंजाब दे टूर बाजे सारे बंद करते। इहदे विच जे असीं कहीए क्यों असीं जो सियाणे आदमी असीं इहनां नूं सीध दे सकते, इस सब तो बड़ा जिहड़ा रोल आ ये एक नौजवान का है, तो जदों देख लो भी नौजवान का रोल आ, जदों 25 तरीक तक रेलों ते टूल प्लाजा ते नौजवान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उस तो बाद जदों 25 तरीक तो असी दिल्ली नूं भी कूच किया उदों भी नौजवानों ने मोहरे होके नाके तोड़े, बड़ी पारदर्शी नाल वधिया काम किया और कई सानू कमेंट आए भी नाके तां नौजवानों ने तोड़े, कई बंदे ने भी कमेंट किए भी सियाणियां ने की किया। मैं जिहड़े कमेंट करदे उन्होंने मैं एक दिन स्टेज तों भी कहा सी भी कमेंट करने बहुत माड़ी हरकत आ, जे को गल होवे तुसीं उह चाहे इत्थे हिसाब किताब की गल आ चाहे नौजवानों के नाके तोड़ की गल आ वो सामने बह के करो, पर मैं दूजे पास ये भी कहना हुंदा भी कमेंट भी उही लोग करते आ जिन्हें ना कदे रुपया देना हुंदा ते ना कदे वह धरने चाहते, धरने जमी नहीं आते। देखो जे नौजवान किन्हां दे आ, साडे ही बच्चे आ, जे हुण नाके जां पत्थर परे चक चक असी सिटणे आ सियाणे बंदिआं ने, फिर नौजवानां दा की फायदा? नौजवान मापिया की एक रीढ़ की हड्डी का कम करते हैं, इस करके मोहरे तो हम नौजवानों ने होना, असी तो मैं पहला ही सेध जरूर दे सकते हैं, जिहड़े नाके तोड़े वो साढ़े ही मुंडे आ, उन्हीं तोड़े असी उन्हों की अगवाई की, असी वो बहुत असी उन्हों की प्रशंसा भी करते हैं और प्रशंसा लायक भी है जिन्होंने कि नाके तोड़ तोड़ के इत्थे सिंघू बॉर्डर ते लिया के सानू खड़े कर। हुण गां दी रणनीति दे नाल उहनां नौजवानां दी आपां नूं फिर बहुत वड्डी लोड़ आ, क्योंकि दिल्ली नाल लड़ाई लड़नी आ ते अपनी एकमुठता होनी चाहीदी आ, इहदे लई तुसीं जिहड़ी माड़ी मोटी खटास आई आ इस चीज़ नूं दुबारा एकमुठ करन लई की जतन कर रहे हैं? देखो जी खटास जे कितें अब्बल तां आई नहीं, जे कोई आई तां उह सारी साडी हुण ठीक हो गई आ, कोई एड्डी गल नहीं हैगी, क्यों बच्चे साडे आ, बच्चे जे गलतियां कर देण उहनां नूं माफ भी जिहड़े सियाणे बजुर्ग उहनां दे मापे करदे हुंदे आ, वो जे हुण कहीए नौजवान हर तरह साडे नाल आ, सारे साडे नाल आ, कोई सा तो परे नहीं हैगा और असी भी उन्हां दा हर तरीके नाल, हुण तुसीं देखिआ भी जिन्ने भी नौजवान अंदर आ चाहे वह टिकरी बॉर्डर दे आ चाहे वह गाजियाबाद दे आ चाहे वह सिंघू बॉर्डर दे आ चाहे वह अपने जिहड़ी साडे अगे वह पंधेर दे बंदे आ चाहे वह किसी भी जथेबंदी दे वह नौजवान अंदर होए आ, असीं ये जिहड़ा सिंघू मोर्चा सारिआं दी रिहाई लई ते मतलब एक लत्त खड़ के उन्हां दी मदद कर रहा, 150 वकील इसे काम ते लगा आ कि उन्हां बच्चिआं दी उन्हां नौजवानां दी रिहाई हो सके, और मेरा ख्याल सी घट्टो घट भी कल साडे रविंदर जी जिहड़े वो इस दे इंचार्ज आ तिहाड़ जेल विच जांदे आ, कल दसिया सी उन्हें भी 150 तो 200 तक जिहड़े नौजवान आ वह जमानत ते आ गए आ, और कल इत्थे भी साढ़े 8-10 मुंडे आए जिन्हां नूं असीं स्टेज ते सन्मानित किया गया, इस करके बाकी भी बहुत जल्द बाहर उन्हां दी जमानत हो जाऊगियां। बाकी मैं फिर कहना भी जिन्हां दे बच्चे अंदर आ अजे रहिंदे आ उन्हां नूं बेनती करदे भी तुसीं कोई भी काली नहीं करनी, कोई वकील नहीं करना, ये संयुक्त मोर्चे वालों हर बंदे ले
पहल के आधार पर उन्होंने जमानत उन्होंने रिहाई लिए काम किया जाता जी और किसी को कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं। प्रधान जी जिस तरह संयुक्त मोर्चे वालों बख बख समय से समय में देखद हो फैसले ले जाते इस वेले लग रहा कि किसान जथेबंदियों भी साड़ी वोट की राजनीति कोई नहीं असी कोई राजनीतिक नहीं असी किसान हाँ तो अं किसानी हकों मंगा लिए इतने आए हैं पर सरकार ना वार्ता बंद होने तो बाद संयुक्त मोर्चे में एकदम अपना कहते होंगे लड़ाई लड़न का तरीका बदलना पै कि जे सरकार वोट की राजनीति समझती आ तो असी आने वाली चोणों के बीजेपी के खिलाफ लोगों आवाज़ लियावे कि जे किसानों की गल नहीं सुन रही आम मजदूर की गल नहीं सुन रही तो इन आने वाली जिहड़ियां विधानसभा दी चोणां कुछ सूबे च हो रही उत्थे जथेबंदियों के लीडर जाके बीजेपी के खिलाफ कह लिए जां बीजेपी नूं लोगों में नंगा करन लई एक प्रचार कर रहे हैं ये जिहड़ी बदली हुई नीति आ मोर्चे की इहनूं तुसीं कितना देखदे हो। देखो जिहड़ियां जथेबंदियां बड़ियां सियाणियां मैं पहला भी दस चुका भी शांतमय ढंग अंदोलन चला रही हूँ जिहड़ी तुसीं गल कीती भी 2022 दीआं चोणां इह तां तुहानूं पता लग गया होणा भी पंजाब दे विच जिहड़ियां म्यूनिसिपल कमेटी दीआं चोणां होईआं उहनां दे विच इह माइनस जीरो रहे आ इहनां नूं मैं तां कहिंदा भाजपा वालिआं नूं इह तों अनुमान ला लैणा चाहीदा भी साडा 2022 दीआं चोणां 'च हशर की होऊगा और गुरनाम सिंह जी तुसीं देख लिओ भी जिहड़ियां 2022 दीआं चोणां आ उहदे विच भी जिहड़ा इहनां दा म्यूनिसिपल कमेटियां दे विच हशर होया आ उही उहनां 'च होऊगा और इन्हां नूं वोट किसी ने की पाउणी आ जिहड़े कल्ला हुण पंजाब नहीं तुसीं हरियाणा देख लो तुसीं राजस्थान देख लो तुसीं MP देख लो महाराष्ट्र देख लो बंगाल देख लो हर जगह इन्हां नूं पिंडां 'च बण नहीं दित्ता जांदा और ना ही गांह बन दिता जाऊगा इस करके असी तो फिर मोदी को यही कहने भी जे तो कोई माड़ा मोटा अपना वजूद रखना कोई अपनी याद रखनी आता तू जे तिने काले कानून इन्हों वापस लै ला ता कि तू भी अपने घर सौखा होवे तो असी भी साडा किसान भी सारा आराम ना अपने घर जाके अपना काम कर सके। प्रधान जी जिहड़ा 6 तरीक मतलब कल का आपां KMP जिहड़ा वड्डा एक्सप्रैस हाईवे आ वो बंद करन दा जिहड़ा ऐलान किया संयुक्त मोर्चे ने लगता है कि हुण आपां नूं थोड़ा बहुत जिद्दां हुण 1.5 महीना हो गया सरकार सुत्ती पई आ इदां दीआं कारवाइयां दे नाल सरकार दे इक ठूंगा मारिया जाऊगा। देखो जिहड़ा कल नूं इह रोड जाम हो रहा आ इहदे 20 दे 20 पॉइंट ही जाम करांगे 5 घंटे वास्ते उह इदां भी इह जिहड़े जथेबंदियां आ इह आम लोकां नूं भी तंग नहीं करना चाहुंदियां भी आम लोग भी वर्ग जिहड़ा तंग होवे जदों कि हर वर्ग साडे नाल आ चाहे वह वकील आ चाहे वह बिजली बोर्ड आ चाहे वह अध्यापक आ जानी मैं ये कह सकता भी कोई भी एक बच्चे तो लैके एक बुढ़े तक हर साडे नाल आ और तुसीं देखिआ होगा इत्थे बच्चे तो बुढ़िया आपणियां जिहड़ियां गोलकां आ वह भी इत्थे लिया के सानू इस डोनेट पैसा दे रहीआं हैगीआं और ये एक सरकार नूं चेतावनी आ अगर सरकार ने यह 5 घंटे के बंद में कोई जू ना सरकी फिर जिहड़ा ये रोड आ जां संसद का घराओ आ ये जथेबंदियां इन्हां चो पास करूगियां भी असी की करना फिर सरकार नूं पता लग जूगा भी जथेबंदियां भी हुण थोड़ा गर्म हो गई असी सरकार नूं यही कहने भी जथेबंदियां नूं गर्म होण तों पहलां और सरकार ये जिहड़े काले कानून आ जिहड़े किसान विरोधी की सारे पब्लिक विरोधी आ इन्हां नूं वापस लवे ता कि किसान भी अपने घर सुखी जा सके। जिवें कि लीडर इस वेले पछमी बंगाल पहुँच चुके आ इलैक्शनां उत्थे हो रही एक किसानी अंदोलन का जिहड़ा प्रभाव आ हुण उन्हां चोणां इलैक्शनां विच BJP नूं फिर दिखूगा। देखो जी ये तो हुण पहलां तां इह मुद्दा सिर्फ कल्ले पंजाब दा सी हरियाणे दा सी हुण तां सारे इह अपने इंडिया का हो गया मुद्दा ये क्यों जी MSP आ ना वो सारे इंडिया नूं मिलनी आ सारे इंडिया का मुद्दा हो गया हर जिहड़ा किसान आनू हर स्टेट का उन्हों समझ आ गई भी कह रहे आ भी पंजाब ने एक अंदोलन करना सारे भारत नूं सिखा दिता आ और साढ़े नाल आ इस करके जिहड़ियां हुण बंगाल दीआं चोणां आ उत्थे लोग जागरूक आ लेकिन उन्होंने पूरा जागरूक करने
पंजाब हरियाणा और यूपी के जिहड़े साडे लीडर आ उत्थे जा रहे आ और लोगों रैलियां करके उन्हां नूं समझाउणगे भी इन्हां नूं बहुत वड्डी हार दिओ तां कि जिहड़े ये काले कानून ये बनाउण वाली लोक विरोधी सरकार आ इहनूं आपां राज तों ला सकीए। प्रधान जी जांदे जांदे तुसीं इस सारे जिन्ना वित्तीय सहायता हो रही आ ते जिन्ने जरूरतां दे खर्च हो रहे उहदे हिसाब दे नाल तुसीं पहले दिन तों जुड़े होए आ किसी तरह की कोई किंतु परंतु की जाती तो तुम जिन्ना भी ये सारा हिसाब किताब देख रहे हैं तुम इसका पूरा अपनी जिम्मेवारी रखते हैं कोई संगत का भेजा होया कि पैसा भी इधर उधर नहीं जाऊगा। देखो जी कितने भी कोई गलबात कोई अंदोलन शुरू अंदोलन तो बहुत बड़ी चीज़ अपने घर के बच्चे कोई गलबात हो जो कहते होंगे रौला पैंता तो पैसों तो पैदा पर मैं 99% इस अंदोलन दे विच जो माया आई हैगा उहदा मैं हिसाब दे सकदा आ क्योंकि आ तुसीं देख लो हर बंदे नूं रसीद बुक रसीद कट के दित्ती जांदी आ जो रसीद ते नंबर आ उही साडे जिहड़ा रजिस्टर आ लगे हो आ दो रजिस्टर लगे इन्हां दे ते उही सीरियल नंबर उत्ते लिखिया जांदा आ और जे तुसीं खर्चा लावो तुसीं आ देख लो भी जिड्डा बड़ा यह अंदोलन आ सिर्फ टेंट स्पीकर लाइटा का अज मेरी गलबात हुई सी जो ये टेंट का स्पीकर का काम कर रहा भी 75,000 रुपया रोज़ का वह खर्चा है कहना मेरा होर जिन्हें मैडिकल खर्चे आ जो कोई किसान इस अंदोलन आता जा जाता जा कुदरती कोई उन्हों कोई बीमारी आ जाए जा कोई एक्सीडेंट हो जाए अनसखाणी कोई भी घटना वापरती आ उहदा जिन्ना भी खर्चा सारा यह जो संयुक्त मोर्चा आ संयुक्त मोर्चा नहीं मैं ये सिर्फ इसका नाम लैंदा हुंदा लेकिन यह हैगा संगत का पैसा उहदा पैसा ही उत्थे लग रहा चाहे किसी का 5 लाख का मैडिकल बिल होवे चाहे 7 लाख का होवे चाहे 1 लाख का होवे चाहे 50,000 का होवे वो सारा इस संगत के पैसे दे बिचों ही दिता जाता है उन्होंने बिल लैके। हाँ किसी की कोई ट्रैक्टर जां कोई कार किसी तरह की भी कोई ट्रक एक्सीडेंट हो जाता जां नुकसानिया जाता उहदा भी बिल लैके उन्होंने जेड़े वो पैसे सारे दिते जाते हैं लेकिन असी भी यही चाहते हाँ भी जिहड़ा ये संगत का पैसा आ संगत की भलाई लिए लगे ता कि कल नूं कोई भी बंदा उंगली ना उठ सके भी जिहड़ा एक जथेबंदियां ने यह पैसा की किया। दूजे पासे मैं कई बार दस चुका भी ये जिहड़े जथेबंद जो भी ये 1 दिसंबर तो लैके अज तक जिहड़ा रिकॉर्ड आ मेरे कोल आ हिसाब मेरे कोल आ सिर्फ जथेबंदियां नूं तां मैं दसना हुंदा भी अज इन्ने पैसे आए आ कल इन्ने आए आ और इन्ने खर्च हो गए आ जिहड़ी खर्चा कमेटी आ उह साडी उह दूस वक्खरी आ खर्चा उन्हीं करना आ और उन्हें जिन्ने मैं पैसे कहने हैं मैं उन्हें उन्होंने तो चैक लैके जा उन्हों तो कोई रसीद लैके प्रूफ लैके मैं उन्हें वो पेमेंट कर देनी है। इस करके ये जिहड़ा काम आ बड़ा पारदर्शी ना चल रहा मैं वीरां नूं बेनती करदा भी फेसबुक पर कमेंट ना करया करो कई लड़कियां साढ़े इत्थे स्पीच कर दया कई मेरे वीर उन्हां दे भी कमेंट करते मैं फिर उन्होंने बेनती करदा भी कमेंट करने चंगी गल नहीं कोई गल हो एक दूजे ना डिस्कस कर सकते हैं टेबल पर बह के गल होंगी कमेंटा ना कोई भी गल जी सिरे नहीं लगती। इस करके मैं फिर कहना भी मैं 99% जोड़ा ये हिसाब किताब आ वो मैं दे सकता हाँ जिस भी किसी भी बंद कोई शक हो जब मर्जी मेरे को आके जिस तरह का मर्जी मेरे सवाल कर सक। ये सन सरदार अमरीक सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान जलंधर तो साडा अज 100 दिन पूरा होने ते एक थोड़े नाल सांझ पाउण दा मकसद एक ही आ कि आपां देखिए कि 100 दिन का सफर ये किदां तय होया किदां किदां विच खड़ोतां आईआं किदां किदां चढ़दी कला च रहे किते किते जाके किसे ना किते घटनावां ने सानू थोड़ा हौली भी कीता पर इस 100 दिन के पूरे सफर के देखिया कि प्रधान जी ने दस्या कि 99% एकूरेट हिसाब देने का मैं पूरा जिम्मेवार हाँ कि 1% इधर उधर कई बार कोई पैसा किसी दे दिता
दे खर्चा लिखिया नहीं गया, कोई इदा की गलती कोई हूमन गलती एरर हो सकती है, पर हिसाब जिहड़ा आ वो पूरा पारदर्शी आ ते संगत वालों दिता गया पैसा इत्थे किसी भी तरह कोई भी हेराफेरी तो बहुत दूर की गल किसी गलत काम ते जां गलत खर्चा नहीं किया जाऊगा। कैमरामैन सौरभ दे नाल गुरनाम सिंह बिलगा, सिंगू बार्डर, दिल्ली तो।